मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बनाई बढ़त, शिवराज सिंधिया की उड़ी नींद, मचा हड़कंप। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी बड़ी बढ़त बना चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और चंबल की ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार बंपर बढ़त बनाए हुए हैं, जहां और तेजी से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी एक दर्जन से अधिक सीटें हैं बुंदेलखंड और चंबल रीजन में जहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और लगातार हर राउंड में वे बीजेपी प्रत्याशियों से आगे चल रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि बात सबसे पहले चंबल के मुरैना जिले की कर लेते हैं। मुरैना जिले की जौरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के पंकज उपाध्याय जौरा विधानसभा सीट पर 20,533 से अधिक की लीड बना चुके हैं। इनके सामने भाजपा प्रत्याशी सूबेदार सिंह पीछे चल रहे हैं और यहाँ 15 राउंड से अधिक की मतगणना हो चुकी है। और इसी के साथ सतना सीट पर सांसद गणेश सिंह कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा से 600 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये खबर भी चौंकाने वाली है। और यहाँ पर गणेश सिंह जैसे कद्दावर भाजपाई नेता पीछे चल रहे हैं। वहीं बुंदेलखंड की खरगापुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार चंदा और 7500 वोटों से आगे चल रही हैं। इनके सामने उमा भारती के भतीजे और बीजेपी प्रत्याशी राहुल दोधी पीछे चल रहे हैं। बड़ा मल्हारा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार रामसिया भारती 13,500 वोटों से आगे हैं और बीजेपी के राज्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह लोधी उनसे पीछे चल रहे हैं। फिलहाल सारी बातों पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।